राजस्थान में महिला प्रताड़ना के झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली महिलाओं पर भी अब सख्त कार्रवाई होगी। महिला आयोग ने 418 ऐसे मामलों को चिन्हित किया है जिनमें महिलाओं ने प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज कराए। आयोग ने इनमें से 60 मामलों में संबंधित पुलिस अधीक्षक को कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि आयोग की जिम्मेदारी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि निर्दोष पुरुषों के खिलाफ कार्रवाई न हो। रेहाना ने कहा कि जिन परिवादों पर परिवादियों ने झूठे मामले दर्ज कराए हैं उनमें एक के खिलाफ धारा 182, 211 दंड भारतीय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी महिला किसी भी द्वेष या प्रतिशोध की भावना से किसी भी पुरुष के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज न कराए। हालांकि पूरे देश में अब राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जो झूठा केस दर्ज कराने वाली महिलाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। आपको बता दें कि NCRB की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेप केसों के बढ़ते मामलों को लेकर अजीब दलील देते हुए कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 56% दर्ज केस झूठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि NCRB के आंकड़ों का गलत विश्लेषण कर राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। गहलोत ने कहा था कि हमारा विपक्ष अफवाह फैलाता है कि रेप हो रहे हैं और अपराध बढ़ गए हैं। उन्हें NCRB की रिपोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़ने को कहे, ये कहता है कि हर राज्य की अलग अलग स्थितियां और दृष्टिकोण है। यहां अपराध नियंत्रण में है। गहलोत ने आगे कहा कि कौन रेप करता है, ज्यादातर अपराधी लड़की के रिश्तेदार, परिचित और परिवार होते हैं। हालांकि कोई कुछ भी कहे, लेकिन राज्य की ये पहल उन पुरुषों के लिए राहत की खबर होगी जिन्हें वास्तव में झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।